बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अक्सर हम चावल बनाते हैं और वो बच जाते हैं। ऐसा इस्तेमाल बताऊंगा कि सुभान अल्लाह, चाहे ये बॉयल्ड राइस हो, चाहे तड़के वाले हों, चाहे बिरयानी के हों, कोई भी राइस हो, कोई मसला नहीं। आपने उनको बॉल में डालना है और उनको कर लेना है ग्रेट। ठीक हो गया। अगली चीज़ इसमें जाएगी आलू। आलूओं को मैंने बॉयल कर लिया था, आलू को इसके ऊपर ग्रेट कर लेंगे। ये लें जी। होता यह है कि ऐसे चावल अक्सर पड़े रह जाते हैं और अक्सर औकात ज़ाया भी हो जाते हैं। तो मैंने दो आलू इसमें लिए हैं और ये है मैदा। 1/4 कप मैंने मैदे का इसमें ऐड किया है, बाइंडिंग का काम करेगा। इसको मैंने तवे के ऊपर भून लिया था। ये है बारीक चॉप्ड अनियंस 3 से 4 टेबल स्पून और ये है बहुत ही खुशबूदार शिमला मिर्च। शिमला मिर्च का ज़रूर स्नैक्स के अंदर ज़रूर किया करें, इसकी एक महक ही अलग होती है। गाजरें, ऑफकोर्स विटामिन ए का समुंदर, इसके बगैर तो मैं रेसिपी तैयार ही नहीं करता। चलें जी, धनिया जाएगा इसमें। अब ये चीज़ें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 2 टेबल स्पून क्या, 3 क्या, कोई मसला नहीं है। ये है हमारे पास बंद गोभी, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अहम बात ये कि चॉप्ड होनी चाहिए। ये है हरी मिर्चें, थोड़ी सी ऐड करूंगा इसको करारा करने के लिए। 1 टीस्पून नमक जाएगा, लेकिन जो कुटी हुई लाल मिर्च है वो 1 टेबलस्पून जाएगी, मतलब कि 2 टीस्पून, इसलिए क्योंकि चावलों का टेस्ट जो था वो काफ़ी सॉफ्ट था, तो उसको स्पाइसी करने के लिए। ये है खुश धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, नो डाउट खुशबू के लिए, और हल्दी 1/2 टीस्पून। बहुत अहम चीज़ इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ, अजवाइन। अजवाइन आपने ज़रूर ऐड करनी है स्नैक्स के अंदर, इसकी ऐसी खुशबू होती है कि सुभान अल्लाह। 1/2 टीस्पून जाएगी। अब आपने इसको मिक्स कैसे करना है, इसके अंदर हाथ डाल के आपने ज़ोर से इसको दबा के बिल्कुल एक जान कर लेना। आप देखिएगा जब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा तो इसकी खूबसूरती कैसे निकल के आती है। देखें जी, इसी खूबसूरती पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें जनाब, ये बिल्कुल फ्री होता है और आपकी तरफ से मोहब्बत होती है। चलें जी, अब स्नैक बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही आसान है, किसी आपको मशीन की ज़रूरत नहीं है और वो जो टिक्की बनाने होता है, बस आपने इसका एक बॉल बना लेना है खूबसूरत सा, और जब आपका बॉल जो है वो बिल्कुल गोल बन जाएगा, आपने इसको ऐसे दबा लेना है, गोल मटोल आपकी टिक्की बनेगी, कोई टेंशन नहीं है। ये देखिए आप आसानी से। चलें जी, टिक्कियाँ तैयार होगी, इनको आप सेव भी कर सकते हैं फ्रीज़र में तकरीबन 28 से 30 दिन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई आपने नहीं करना, ताकि कम से कम कैलोरीज आपके अंदर जाएं और ऑयल की भी बचत हो। और इनको आपने पलट देना है 2-2 मिनट बाद, बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है, हाई फ्लेम के ऊपर आपने इनको नहीं पकाना। इसके अंदर सिर्फ मैदा है, उसको भी मैंने भून के ऐड किया था, सो नो टेंशन। इसको आपने कलर देना है, एक खूबसूरत सा टेस्ट देना है और ये इसकी लुक आ जाएगी। इसी तरह से बाकी भी फ्राई कर लेंगे और उसके बाद फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। साफ सुथरी प्लेट के अंदर खूबसूरती से सजा के आपने इसको ऐसे रखना है जैसे एक प्रोफेशनल शेफ ने प्लेट तैयार की है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर भूल गए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा खूबसूरत सा दिल से कमेंट कर दीजिए और दीजिए इजाज़त सर को इजाज़त। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।